केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य बनने के लिए रसीद सौंपी गई है। एक दिवसीय ग्वालियर प्रवास पर पहुंचे सिंधिया को राजमाता विजयाराजे सिंधिया एयर टर्मिनल पर भाजपा के जिला अध्यक्ष अभय चौधरी ने उन्हें सक्रिय सदस्यता की पर्ची सौंपी है। सिंधिया को उन्होंने बधाई दी तो सिंधिया ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित किया है। इस मौके पर मौजूद ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने बधाई देते हुए कहा कि ये भी गर्व की बात है कि वे 75,000 सदस्य बनाकर देश में नंबर वन पर मध्य प्रदेश को लाए हैं, तो मैं उसके लिए सिंधिया जी को बधाई दे रहा हूं। सिंधिया ने कहा कि हरियाणा और जम्मू की तरह महाराष्ट्र और झारखंड में भी जनता भाजपा के पक्ष में एक तरफा मतदान करेगी। चुनाव की तैयारी का ऐलान हो चुका है और रणभूमि में हम लोग सब जुट चुके हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का नतीजा आया और हरियाणा का नतीजा आया, झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी, पूर्ण रूप से जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद प्रदान करेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है।